रोहित पहाड़ी ट्रैवल ब्लॉग। और किसी को फोटो खिंचानी है भैया सब्सक्राइबर के बदले। और आपका जो गैंगटॉक है ना, गैंगटॉक का दिल कहा जाता है आपका, इस आपका एमजी रोड। बाबू भैया बोलते हैं बाबू और सोना। अच्छा बाबू आप सुनाओ या बाबू सोना। बाबू सोना गैंगटॉक के माल रोड के नजारे भाई, कुछ एक अलग ही लेवल का क्राउड यहाँ पर रहता है। अरे बाबा जोर से चलो मत खड़े रहो, जोर से सर। तुम भुलाना सकोगी वो कि मैं भी चाइना के अंदर आ गया हूँ, क्योंकि लिकर फ्री है, स्मोकिंग फ्री है, पॉलिथीन फ्री है, और मतलब इसी की वजह से यहाँ पे ना इतना सारा साफ सफाई है। तो हम आपका इस एमजी रोड के, शायद जहाँ तक मुझे लगता है, जैसा भालू मैं हूँ ना बिल्कुल सेम मेरी तरह एक भालू यहाँ पे लास्ट में बना हुआ है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में। तो अभी मैं हूँ आपका गैंगटॉक में, और पिछले ब्लॉग में आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि मैं गैंगटॉक कैसे कैसे आया था। आधी रात में मैं गैंगटॉक पहुँच गया था, और पूरा दिन भर मैं सोया था, वीडियो की एडिटिंग कर रहा था ताकि आपको ब्लॉग मिल जाए। तो भाई ये अप्रैल का महीना है और तारीख है आपकी आज 15 अप्रैल। तो ये अपना रूम था जहाँ पे मैं रुका हुआ था। तो आज मैं आपको गैंगटॉक की नाइट लाइफ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ना, अगर जिसने भी गैंगटॉक के बारे में सुना है तो उस हर बंदे को पता है कि भैया एमजी रोड के बारे में हर किसी ने सुना है। तो आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, शाम के बज गए हैं 6, और मैं निकल रहा हूँ अपने रूम से बाहर को एमजी रोड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो भैया जी मैं अपने होटल से बाहर की तरफ निकल के आया हूँ जस्ट। अभी अंधेरा तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा शाम हो गई है, और मेरा रूम जो है ना एमजी रोड के बिल्कुल पास में था। मैं बिल्कुल एमजी रोड के बिल्कुल ठीक सामने पहुंच गया हूं, और ये एमजी रोड का जो गेट है बिल्कुल ठीक सामने है। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको गैंगटॉक का पूरा माल रोड घुमाने वाला हूं। तो चलो चलते हैं नीचे की तरफ और घूमते हैं आपका गैंगटॉक का माल रोड। तो भैया जैसे ही मैं आपका एमजी रोड में निकला था ना, तो निकलते ही सबसे पहला जो काम हुआ है, हमको मिले हमारे झारखंड के लोग, और हम उत्तराखंड के हैं। तो पहले कभी हम एक ही राज्य हुआ करते थे, लेकिन आज हम सिक्किम घूमने आए, तो झारखंड उत्तराखंड ये अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं। और एमजी रोड का गेट है इस तरफ, तो उससे एंट्री से पहले ही देखो अपने राज्य के लोग मिलने लगे हैं। तो भाई जी ये आपका एमजी रोड का मेन एंट्रेंस है, यहाँ से सामने हमारा एक नेशनल फ्लैग है जो लगा हुआ है। तो मेरे बिल्कुल जस्ट पीछे आपका है एमजी रोड, जिसे आप महात्मा गांधी रोड भी कह सकते हैं। और इस रोड की ना बहुत सारी खूबियाँ हैं। इसको जैसे आपका शिमला मनाली आपका मसूरी नैनीताल के मॉल रोड है ना, वैसे ही ये भी मॉल रोड है। बट इस मॉल रोड की बहुत सारी खास बातें, चलते हैं आपका एमजी रोड के अंदर और आपको दिखाते हैं एमजी रोड के नज़ारे। और मैं गूगल भी कर रहा था, मुझे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ मिली नहीं। तो फिलहाल यहीं के लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे आसपास के लोगों से कि भाई इस एमजी रोड के बारे में क्या इसका इतिहास है, और क्या मतलब यहाँ पे ऐसा होता क्या जिसके लिए ये इतनी ज़्यादा फेमस है। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ आपका एमजी रोड के बारे में ना, एमजी रोड आपका महात्मा गांधी रोड सिर्फ एक ऐसा रोड है जिसके अंदर थूकना और कूड़ा करकट ये यहाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं, जिसको लेके आपको यहाँ पे बहुत बड़ा फाइन देना पड़ सकता है। आपको महात्मा गांधी रोड नाम तो ले रहा हूँ ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि भैया इधर महात्मा गांधी जी का एक बहुत बड़ा स्टैचू लगा हुआ है। तब यहाँ का क्राउड ना, मैं आज से पहले बहुत सारी मॉल रोड में गया, मैं मनाली गया, मैं शिमला गया, मैं आपका मसूरी गया, आपका मैं नैनीताल, बहुत सारी जो मॉल रोड है हर जगह मैं गया हूँ, बट यहाँ का क्राउड ना एक अलग ही लेवल का है। जो दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था कि यार यहाँ पे ना इतना साफ सफाई रहता है, कूड़ा करकट ये सब चीज़ यहाँ पे अलाउड है नहीं, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ। आपको इतना साफ माल रोड जहाँ पे कम से कम नहीं भी तो 10 से 20 हज़ार लोग यहाँ पे अभी ट्रैवल कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको ना यहाँ पे कूड़ा गंदगी पॉलीथीन ये सब चीज़ आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से है, वो क्या है मैं आपको वो बताता हूँ कि भाई सिक्किम एक पहला स्टेट है आपका पूरे इंडिया में जो बिल्कुल पॉलीथीन फ्री है। यहाँ पे किसी दुकान में क्या किसी भी जगह आपको पॉलीथीन मिलेगा नहीं, किसी भी वजह से अगर आप कोई शॉपकीपर अगर आपको पॉलीथीन सेल करता हुआ मिला ना, तो उसको बहुत लंबा चौड़ा फाइन पड़ सकता है। तो मैं जितना अभी अंदर जाता जा रहा हूँ ना, तो क्राउड ना बिल्कुल एक लेवल से बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। और आपका जो गैंगटॉक है ना, गैंगटॉक का दिल कहा जाता है आपका इस आपका एमजी रोड को। और यहाँ पे ना आपका दिसंबर के महीने में कुछ फेस्टिवल होते हैं, जैसे फूड फेस्टिवल बोलते हैं, और आपका एक कल्चरल फेस्टिवल होता है वो यहाँ पे दिसंबर के महीने में होता है। बट दिसंबर के महीने में अगर आप एमजी रोड आएंगे, दिसंबर के महीने में अगर आप गैंगटॉक आएंगे, तो आपको यहाँ पे एक अलग ही क्राउड के साथ साथ ना यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ आपको दिखाई देंगी। आपको यहाँ पे कल्चरल फूड दिखाई देगा, जो सिक्किम और आपका दार्जिलिंग इस साइड का जो फूड रहता है ना, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम घूम रहे हैं आपका सिक्किम गैंगटॉक का आपका एमजी रोड। और अभी ना एक मेरे साथ एक कांड क्या हुआ यहाँ पे आके, मैं इससे पहले भी गैंगटॉक रोड आया था आधे घंटे पहले, बट मेरा जो आपका मेमोरी कार्ड है ना वो करप्ट हो गया था। मैं दोबारा रूम पे गया, अपना दूसरा मेमोरी कार्ड लेके आया, क्योंकि मैं उस समय जब मैं आया था आपने देखा होगा हल्का हल्का शाम हो रही थी, बट अभी क्या है
पूरा अंधेरा हो गया। और यहाँ पे मैं मेमोरी कार्ड परचेस करने के लिए ना सामने वाली शॉप पे गया, तो जो मेमोरी कार्ड मैंने आपका दिल्ली से 1100 रुपीज का लिया था, वही मेमोरी कार्ड का प्राइस यहाँ पे मुझे पड़ा है आपका 2200। तो भाई यार एक काम करेंगे, हमारे पास एक मेमोरी कार्ड ऑलरेडी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो हम उसे ले आए, टाइम जरूर लगा हमें थोड़ा बहुत, काम हमारा चल जाएगा। टिकटॉक के माल रोड के नज़ारे भाई, कुछ एक अलग ही लेवल का क्राउड यहाँ पर रहता है भाई जी। जब आप इस आपका MG रोड के अंदर आएंगे ना, देखो आप घूम रहे हैं सिक्किम में, तो आप सिक्किम का कल्चर और सिक्किम की कुछ ऐसी दर्शनीय चीज़ें हैं जो आप देखेंगे यहाँ के होटल और रेस्टोरेंट में भी आप उसी की झलक देखने वाले हैं। तो मैं आपको अपने सामने आपको एक रेस्टोरेंट दिखाता हूँ, बड़ा प्यारा सा, ये आपका सिक्किम का गैंगटॉक का एक रेस्टोरेंट है जिसके सामने आपको ना इस टाइप से ड्रैगन टाइप के आपको दिखाई देगी। ये आपका चाइनीज, मैं तो इसको चाइनीज समझता था पहले, बट इस होटल का नाम है द ड्रैगन वॉक। और सच में इसका जो मेन जो आपका फ्रंट है ना, वो सच में ऐसा लग रहा है कि मैं अभी चाइना के अंदर आ गया हूँ। क्योंकि आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। कोलकाता से आप? क्या बात है, तो आप भी यहाँ से ब्लॉगिंग करने उतरे क्या घूमने? आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूरा। अच्छा, तो आप? आपका नाम? मेरा नाम रोहित पहाड़ी। रोहित पहाड़ी। आपका चैनल का नाम? मेरा नाम रोहित पहाड़ी, ट्रैवल ब्लॉगिंग है चैनल का, ट्रैवल का तो ब्लॉग बनाता हूँ, रोहित पहाड़ी नाम है। अनस्क्रिप्टेड कोलैबोरेशन, देखो ये सही बात है। तो भाई भाई का चैनल क्या नाम है? फीड आउटसाइड नहीं, घोड़ा ड्रीम अभी है। अभी एक्चुअली हम रिसेंटली, आप भी करते हैं? दोनों। और ये सब लोग भी करते हैं मिलकर? हमारे दोस्त हैं। अच्छा, हाय, क्या हाल है आपके? तो आप सब लोग कोलकाता से? तो कोलकाता के बाबू लोग आप? बाबू भैया बोलते हैं, बाबू और सोना। अच्छा, बाबू आप सुना हो या बाबू सोना? बाबू सोना मतलब फीमेल, बाबू मतलब। अच्छा, हमारे वहाँ तो बाबू सोना को कुछ अलग ही बोलते हैं फिर। अच्छा, हाँ, तो आप भी कैसे? यहाँ आपके वहाँ मतलब लड़का मतलब बाबू और लड़की मतलब सोना? लड़की मतलब माँ, रेस्पेक्ट मिलता है हम लोग। अच्छा, तो बाबू सोना क्या हुआ फिर? वो मैं मतलब मजाक किया। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा एक्चुअल में ऐसा बोलते हैं क्या? कोलकाता में लड़कियों को माँ ऐसे बोलते हैं। अच्छा, माँ को भी माँ और लड़की को भी माँ? यस यस, ऐसे ही इज्जत मिलता है। तो भाई साहब देखो ऐसा होता है ना, कभी कभी जब आप ऐसे अनजान जगह पे जाते हो तो आपको बहुत सारे लोग जानने वाले मिलते तो नहीं, लेकिन आपकी कम्युनिटी एक ऐसी है ना, यूट्यूब की कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि आपको कोई ना कोई ऐसे बेचारा कैमरा लेता हुआ घूमता दिख ही जाएगा। तो मुझे भी कुछ लोग दिख गए थे। या तो मुझे भी आप लोग की तरह हल्का हल्का बोलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हर लोग कमेंट करते हैं रोहित भाई थोड़ा हल्के बोलो, समझ में नहीं आता। तो बट कोई बात नहीं, देखो 15 मिनट के वीडियो में अगर 15,000 बातें करनी है तो थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, ठीक है? ओके, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। उत्तराखंड आइए, फिर मिलेंगे, ठीक है भाई? बैठे के तो भाई ऐसा है, आपका इस MG रोड से हमारी मुलाकात हुई कुछ कोलकाता के बाबू लोगों से, बाबू और सोना लोगों से, और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से आपका गैंगटॉक के आपके इस आपका MG रोड में आगे की तरफ को। तो ऐसा कुछ नजारा रहने वाला है आपका गैंगटॉक के इस माल रोड का यार, सीरियसली का इस पूरी मॉल रोड के किनारे में ना इस तरीके से आपका चेयर्स लगी हुई हैं ताकि लोग आराम से अपना जो फूड वूड लेने के बाद इधर आके बैठ सकते हैं, ताकि अपना क्वालिटी टाइम वो स्पेंड कर पाएं। और दूसरी खास बात इस जो MG रोड की है वो ये है कि भाई ये लिकर फ्री है, स्मोकिंग फ्री है, पॉलीथीन फ्री है, और मतलब इसी की वजह से यहाँ पे ना इतना सारा साफ सफाई है। तो हम आपका इस MG रोड के शायद जहाँ तक मुझे लगता है ख़त्म हो गया रास्ता, और ये शायद लास्ट छोर होगा इस MG रोड का, इसके बाद मुझे लगता नहीं है। और लास्ट छोर पे ना मेरे जैसा ये भालू यहाँ पे बना हुआ है, जैसा भालू मैं हूँ ना बिल्कुल सेम मेरी तरह एक भालू यहाँ पे लास्ट में बना हुआ है। तो भैया जी ऐसा है, हमको इस माल रोड में और तो कुछ नहीं मिला नहीं, हमको जो आपका रोपवे में कुछ लोग मिले थे अचानक से UP के, तो वो लोग दोबारा से मुझे इस गैंगटॉक के MG रोड में मिल गए। तो ये भी भ्रमण कर रहे हैं हमारी तरह, कल ये आपका गैंगटॉक घूमने वाले हैं, तो क्या पता कहीं फिर टकराएंगे। तो एक्सिस बैंक भाई साहब हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। आगे बैंक भी है? हाँ, मैंने देखा, मुझे मेरे साथ के बंदे बोले थे जा तेरा बैंक आ गया, बड़ा बड़े खाता खोल गया, खोल गया। तो चलो आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो भैया जी आपका ये जो आपका MG रोड है ना, यहाँ पर आपको खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और अपने को तो कुछ वेज में लेना है, तो इधर ना पास में एक रेस्टोरेंट है, छोटा सा रेस्टोरेंट है बस, और यहाँ पर आपको रोल मिल जाएंगे, मोमोज मिल जाएंगे, चाइनीज फूड भी आपको मिल जाएगा भैया, वेज रोल हो जाएंगे दो आपको। अगर आप ऑर्डर करोगे आपको 5 से 10 मिनट का वेट तो करना पड़ेगा यहाँ पे आपका ऑर्डर, क्योंकि बाहर इतना क्राउड है ना, आप देख लो इस तरीके से इतने सारे भीड़ लगी पड़ी है बाहर, तो आप समझ सकते हो भाई साहब कि यहाँ के टेस्ट के बारे में। तो कब तक हो जाएगा दादा? रेडी है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, हाँ जी, थैंक यू सर सो मच। भैया हमारे आपके वेज रोल आ गए, तो चलो इनका आनंद उठाते हैं आपका MG रोड से। तो अभी काफी कुछ है यहाँ पे आपको दिखाने के लिए इस MG रोड से, आपका गैंगटॉक से। यार मैंने इनको बोला थोड़ा स्पाइसी बनाना, बड़े थोड़ा मीठा मीठा सा लग रहा है। तो ये MG रोड की पहली डिश है,
यार कभी सोचा नहीं था यार सच में इतना ट्रैवल करेंगे, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं हम लोग, आज की रात कहाँ कल की मॉर्निंग कहाँ, तो यार ये सब आप लोगों की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। भैया जी ऐसा आपका जो इस मॉल रोड का दूसरा वाला छोर है ना, वहाँ से हम लोग रिटर्न घूम के आ गए, पूरा घूम के वहाँ से रिटर्न होते हुए, तो मतलब काफ़ी सारे बाजार हैं और खाने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे थे, तो हमने तो वेज भी ट्राई कर लिया था अपने हिसाब से। आपको दिखाई दे रहा होगा अभी आपके रात के 9 बजने वाले हैं, 10 बजने वाले हैं, लेकिन इस मॉल रोड को ना क्राउड बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। जितना मैं एंट्री करते टाइम यहाँ पे क्राउड था ना, उतना ही क्राउड यहाँ पे अभी भी है। क्या क्या नाम है आपका? दीप मुखर्जी। कहाँ से? सिलीगुड़ी से। हाय, आपका नाम क्या है? रोहित पहाड़ी फ्रॉम नैनीताल। तो ऐसे कुछ भाई लोग, हम जब कभी जाते हैं ना तो ऐसी आवाजें सुन लेते हैं किसी की, तो हम उन्हें दिखा देते हैं सकल अपनी के आप भी कैमरे में आ सकते हो। लोकल के ना दिल्ली के पास के मेरठ के भी कुछ बाबू भैया लोग इधर मिल जा रहे हैं, तो कहने का मतलब भैया आपका इस गैंगटॉक सिक्किम के स्मॉल रोड में ना लोकल ही नहीं घूमते, हमारे भैया दिल्ली मेरठ वाले भी अक्सर यहाँ घूमते फिरते हैं, जैसे हम यहाँ वहाँ से यहाँ आए हैं। यहाँ पे ना हमारे साथ जो भाई साहब थे ना, ये बोल रहे हैं कि भैया इनको इस MG रोड में गाना गाना इनका बहुत पुराना सपना था, तो इनका सपना हम साकार किए देते हैं। सुनाते आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए सुना रहे हैं सर। अरे वाह, आपके फैन के लिए सर। जोर से चलो, मत खड़े रहो। जोर से सर। तुम भुलाना सकोगी वो अंदाज़ हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये इतने समझदार हैं, इतने समझदार हैं, इन्होंने हमें कॉपीराइट से बचाने के लिए बस दो ही लाइन गाई। तो भैया जी हम गैंगटॉक रोड में हमें एक और ब्लॉगर मिल चुके हैं आपके, और वो भी कोलकाता से। ये दूसरे बाबू भैया हैं जो हमें कोलकाता के मिले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आदित्य। चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम है MCB आदित्य, मतलब MCB। हाँ, मिडिल क्लास बाइकर। ओ माय गॉड, अच्छा आप बाइकर हो। जब आप सफर करोगे ना, देखो यार घर से जब आप निकलते हो ना, तो कहते हैं घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रस्ते में है उसका घर, तो घर भर तो आपको मिले ना, लेकिन आपको अपने जैसे लोग ना चलते हुए मिल जाएंगे, और ऐसे ही लोगों से मिलने में ना सच में बहुत मजा आता है। हम जब आपका इस छोर पे निकल के आ गए, आपका गैंगटॉक के माल रोड के ना लास्ट छोर पे आ गए, तो हमें मिले हैं आपके कोलकाता के कुछ जानने वाले लोग, तो मैंने इनको इनवाइट कर दिया उत्तराखंड के लिए, और बहुत जल्दी अगर ये मेरे साथ कभी उत्तराखंड में अगर दिखाई देंगे ना, तो चौंकने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप सब लोगों को वेलकम उत्तराखंड, और बहुत सारी खूबसूरत लोकेशन आपका इंतजार करती है उत्तराखंड में। तो भाई साहब देखो इधर क्या है, आपका MG रोड के सामने जो गांधी जी है ना, अगर आपका मन करेगा कि आपको फोटो खिंचानी है ना, तो आपको बहुत लंबा खासा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी को यही फोटो खिंचानी है। तो हम भी भैया खड़े हैं 10 मिनट से कि हम भी भैया महात्मा गांधी जी के साथ फोटो खिंचा लेंगे बढ़िया वाली, क्योंकि ये जो MG रोड है ये इनके नाम पे रखी गई है, MG महात्मा गांधी। तो भैया बस अब वेट है हमारा नंबर कब आएगा। रोशनी, मैंने आपका क्या कहते हैं गांधी जी के सामने फोटो खिंचाने का ठेका ले लिया है, और ये जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना, इन सबसे मैं आपके साथ फोटो खींच रहा हूँ इनका, और 10 रुपये ले रहा हूँ। गांधी जी हमारे इधर हैं, तो अब मैंने क्या सोचा 10 रुपये काफी कम हो जाएगा, तो मैंने इन सब लोगों से बोला, क्या नाम है आपका? अंशु। कहाँ से? बिहार से। आपका नाम क्या है? अनु। दोनों अनु अनु अंशु। अच्छा, तो हमने इनसे दो लोगों को सब्सक्राइब करा लिया, तो 10 रुपये के बदले हमने दो सब्सक्राइब बढ़ाए, तो और जिसको भी अपनी फोटो खिंचानी होगी आओ चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक मैंने डाली है, फोटो खिंचवा लो। तो फिर क्या है? रोहित पहाड़ी ट्रैवल ब्लॉग, तो सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से। और किसी को फोटो खिंचानी है भैया, सब्सक्राइबर के बदले एक एक फोटो ले लो हमसे। तो देखो भैया हमने आज कमा लिए कम से कम 100 रुपये फोटो में लाइट दिखा दिखा के लोगों को, समझ रहे हैं? फोटो ठीक है? नहीं आया फोटो? अच्छा चल विक्की, 10 रुपये और लगेंगे। ठीक है, सेल्फी खींचनी है? सेल्फी कैसे खींचेंगे हम? अरे बाप रे। अच्छा आप हाथ दिखाएंगे ऐसे करके? तो भैया लोग अब सेल्फी खींचने के लिए हमारा ही यूज़ कर रहे हैं, बाजार क्लिक नहीं करना है। क्या बात है, ये नई टेक्नोलॉजी आई क्या? पैसा बोलो ना, मुझे अपना टाइमर लगा रखा है। अच्छा आप बंगाली बोले ना, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। पैसे कमाने में नंबर वन है भाई हम। तो भैया वैसे तो आपका माल रोड में घूमने के लिए ना बहुत नज़ारे हैं, मतलब घूमने के लिए इतना कुछ था, हम वहाँ पे 2 घंटा काट लिया और पता भी नहीं चला। लेकिन यार अभी टाइम पे अगर रूम पे नहीं गए ना, तो सो नहीं पाएंगे, ब्लॉग एडिट नहीं कर पाएंगे, और आपको वीडियो दिखा नहीं पाएंगे। तो लिमिटेड हम घूमे, खाया, और कुछ लोगों से गुफ्तगू करी, वो आपने देखा, क्योंकि जहाँ पे भी जाओ ना, तो वहाँ पे लोग मिले, उनसे बात करो कि उन्हें कैसा लग रहा है, वो कहाँ से आए हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से लोग घूमने आते हैं गंगटॉक के माल रोड में। तो हम निकल रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो भैया जी ऐसा है, आज का जो हमारा पूरा ब्लॉग रहा, ये था आपका
MG Road गैंगटॉक का। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और मैंने जिस तरीके से आपको MG Road दिखाना चाह रहा उस तरीके से हर लोगों से बात करी, जो जो लोग मुझे मिले सबसे हमारा बढ़िया बढ़िया बात हुआ। तो यार मेरा मतलब ड्रीम था कि सिक्किम आना और MG Road को देखना और आज MG Road कंप्लीट अपना हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और क्या पसंद आया इस ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और अगली लोकेशन कौन सी घूमनी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि मैं उसे भी कवर कर लूँ। तो चलो अब टाइम है अपना लाइव करने का क्योंकि मैं डेली यूट्यूब पर लाइव करता हूँ, हर 2 से 3 दिन बाद में लाइव करता हूँ जिस दिन मैं ब्लॉग नहीं डाल पाता हूँ, तो लाइव करते हैं। इसलिए मैं अपनी लाइव पोजीशन में बैठ गया हूँ और आपको ये ब्लॉग को यहीं पर खत्म करता हूँ। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।